गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आई विल टीच सब्जेक्ट इंग्लिश. आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे यूनिट वन चैप्टर वन एंड टू. तो उसके बारे में आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन उसकी स्टोरी बता चुकी थी, तो आज मैं थोड़ा सा स्टोरी भी बता दे रही हूँ. इस स्टोरी में मैजिक गार्डन में क्या है, मैजिक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सारे फ्लावर्स में कौन कौन सा है, मैरीगोल्ड है, पॉपीज है, सनफ्लावर है, रोज है, पेनिस है और उसमें एक फेरी भी है और छोटे छोटे लिटिल लिटिल चिल्ड्रन भी है. तो फ्लावर्स आपस में बात करते हैं जो हमें मैजिक गार्डन में बहुत अच्छा लगता है, और लिटिल लिटिल चिल्ड्रन जो है वो हमारे गार्डनर है, वो हमारे मिट्टी को खोदते हैं और पानी भी देते हैं. इस तरह से वो लोग आपस में बात करते हैं और फिर बोलते हैं जो फेरी भी है, फेरी बच्चों को डांस भी करती है और गाना भी सुनाती है जो बच्चों को ही सुनाई देता है. उसमें एक लिटिल बर्ड्स भी है. तो बर्ड्स क्या बोलते हैं, जो लिटिल चिल्ड्रन जो है वो हमें खाना देते हैं और हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं. तो आज हम लोग उसी चैप्टर के हम लोग थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ेंगे और समझेंगे. तो फर्स्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. तो मैजिक गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स थे, तो मैरीगोल्ड, पॉपी, सनफ्लावर, रोज, पेनिस. वेयर वाज द मैजिक गार्डन, मैजिक गार्डन कहाँ पर था, तो मैजिक गार्डन वाज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन. लिटिल फ्लावर्स लिटिल चिल्ड्रन को क्यों प्यार करते थे, तो क्यों प्यार करते थे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें पानी देते थे फ्लावर्स को और उनके मिट्टी को भी खोदते थे. तो इसका आंसर है, द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर them and dig the ground. अभी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, why did flowers work hard, flowers work hard क्यों कर रहा था. तो हम लोग स्टोरी में पढ़े थे वो लोग अच्छे अच्छे ड्रेस बना रहे थे ताकि बच्चे अभी आएंगे और उनको देखेंगे तो फ्लावर्स लोग बहुत खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खुश होंगे. तो उसका आंसर है, द फ्लावर्स वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी. क्या बोल रहे थे वो लोग, अपने ड्रेस बना रहे थे, सुंदर सुंदर ड्रेस बना रहे थे क्योंकि बच्चे आने ही वाले थे. अभी नेक्स्ट में है, व्हाट साउंड पुट द चिल्ड्रन हियर. तो चिल्ड्रन किस, बच्चे लोग किसका साउंड सुनते हैं, तो उस स्टोरी में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे जो बच्चे फेरी के साउंड सुन रहे थे, फेरी डांस करती थी और गाना गाती थी तो वो बच्चों को ही सुनाई पड़ता था. तो इसमें आंसर्स हैं, द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरी. तो कि ये समझ गए हैं, जो स्वीट सॉन्ग ऑफ फेरी का गाना सुनती थी. अभी सेवन नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फेरी डू. तो फेरी क्या करती थी, तो हम लोग स्टोरी में पढ़े हुए थे फेरी क्या करती है. तो फेरी क्या करती है, तो फेरी गाना गाती है एंड डांस करती है. तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, द फेरी डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग, मीठा गाना गाती है फेरी. तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नेम फाइव फ्लावर ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. तो मैरीगोल्ड, पॉपी, सनफ्लावर, रोज, पेनिस. वेयर वाज द मैजिक गार्डन, द मैजिक गार्डन वाज
द फ्लावर्स लव द लिटल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर देम एंड डिग द ग्राउंड. फिफ वाई डिड फ्लावर्स वर्क हार्ड. द फ्लावर्स वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी. What sound could the children hear? The children could hear the sweet songs of the fairy. What did the fairy do? The fairy danced and sang sweet songs. तो ये सारे हम लोग क्वेश्चन देख लिए. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू.